लेकिन कन्हैया से कही प्रभु मांग तो लूंगा मैं, पर ऐसा तो ना कि फिर मैं मांगू तो फिर तुम भजो पीछे हूं, क्या नहीं मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो, लेकिन ध्यान रखना उस बरबरी के कटे हुए शीश ने वो चीज मांगी जो आज तक मिटी नहीं, आज तक नहीं मिटी। प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं जीवन मांगूंगा नहीं, धन और संपत्ति मांगूंगा नहीं, लेकिन मांगूंगा तो क्या मांगूंगा। कुरुक्षेत्र की गैल पे और लाओ श्याम को नाम दान करो धन श्याम जी, मेरे पूरण है जाए काम है, धन संपत्ति नहीं मांगता। और ये गौरव बाबू नगला मोती से 500 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन संपत्ति नहीं मांगता जो राजी ओ घन श्यामई, तो हाथ जोर फिर कह दई मोय अपनोई दे देउ नाम है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो केवल तुम्हारा नाम चाहिए, जिस नाम से लोग तुम्हें जानते हैं उसी नाम से मुझे जाने, ये मेरी मांग है। क्या पीछे कूनाई हट गए और सोच दो घन श्याम कटो भाव बेसी सहे सो बन गयो खाटू श्याम है। बोलो ये खाटू श्याम भगवान की ये मांगा था मैंने, क्या मैं केवल तुम्हारा नाम चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए। श्रोता बंधु तब कही कन्हैया ने कि अगर युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें युद्ध तो दिखा दूंगा लेकिन तुम कर कुछ नहीं पाओगे। तो वो छोंक करके पेड़ पर वो कटा हुआ शीश टंगवा दिया। अब यहां से श्रोता बंधु जब दोनों तरफ की सेना एकत्रित हुई तो अर्जुन ने कहा जिस रथ पर अर्जुन भगवान कन्हैया दोनों आए थे उस रथ का नाम था नंदघोष। नंदघोष रथ पर जब आए थे श्रोता बंधु जब रथ सज के चला था किस तरह से सच के चले हैं तो कुंती पुत्र अर्जुन ने कही द्वारकाधीश थोड़ी देर के लिए ये मेरा रथ बीच में खड़ा कर दो ताकि मैं जी देख लूंगा मोय लड़नो किन किनते किस किस से युद्ध करना है। जब वो रण क्षेत्र में बीच में युद्ध में भगवान श्याम सुंदर ने रथ को खड़ा किया श्रोता बंधु जब नजर डाली है कौरव सेना पे तो सबसे पहला ध्यान गया गंगा पुत्र भीष्म पे। ये वही पितामह हैं जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया, अगर मेरे कंधा के ऊपर मलमूत्र त्याग कर दिया तब भी इन्होंने एक चांटा नहीं मारा। अरे धिक्कार है अर्जुन जो तू उन पितामह पर तीर चलाएगा। ये वही द्रोण गुरु आचार्य हैं जो द्रोणाचार्य जी ने मुझे विद्या पढ़ाई, दिन में पढ़ाया रात को पढ़ाया शाम को पढ़ाया, और आज तू गुरु के ऊपर हत्या चलाएगा। ये वही कृपाचार्य जैसे मेरे पूर्वजन की पूजा करते रहे, और धिक्कार है अर्जुन जैसे छत्री पर जो आज इनके ऊपर तू हत्या चलाएगा। सामने जब दिखे वो 100 कौरव खड़े थे तो अपने भाइयों पर नजर की तो
तब कहा रे अर्जुन जे तेरे भैया ही अगर युद्ध में लड़के मर जाएंगे तो फिर शासन किन पे चलेगा, फिर तू राज किन पे करेगा, ये भाई मारे जाएंगे तेरे सामने युद्ध में। श्रोता बंधु जीवन में सभी में नौजवान साथियों से श्रोता बंधुओं से कहना चाहता हूं, जीवन में सब चीज मिल सकती है तुम्हें लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती, किसी को नहीं मिल सकती। ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लंका कांड, लंका कांड में जिस समय भगवान राम लक्ष्मण जी को गोद में रखे थे तब लिखा है क्या, सुतपत नारी भमन परिवार लड़का धन स्त्री परिवार ये बार बार भी मिल सकते हैं। सुत बितनार भमन परिवार होई जाए जग बारंबारा, अस विचार जिय जाग हो ताता और मिले न जगत सहोदर, मजाया भाई नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा रामायण में कि जिसमें रावण पड़ा हुआ था धरती पे तो भगवान राम सामने हैं तो पहला शब्द तो ये कहा था दशकंदन ने कर राम तुम अपनी जीत मन समझ लेना, कि लड़ाई में तुम जीते हो लड़ाई में मैं जीता हूं। क्यों? तो रावण का ये शब्द है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने जीते जीत तुम्हें लंका में पैर नहीं रखने दूंगा, तो पांव धरन तो ना दूं तुम्हें, और तुम्हारे ही सामने तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, तुम रोक नहीं सकते, तो इसलिए तो प्रभु मेरी जीत है। लेकिन लड़ाई के मैदान में मैं हारा क्यों? राम राजधानी तुमसे मेरी बड़ी है, तुम्हारे अयोध्या में केवल एक भवन सोने का है, मेरी पूरी लंका सब सोने की है, हथियार तुमसे मेरे पास ज्यादा है। अरे तुमने एक धनुष उठा लिया था जनकपुर में, मैंने कैलाश पहाड़ उठाया है, जीवन तुमसे ज्यादा जी लिया मैंने, परिवार तुमसे मेरा बहुत बड़ा है, सब चीज ज्यादा है राम, इतने पे भी मैं हार गया और तुम जीत गए। उसका एक ही कारण है कि तुम्हारा भैया तुम्हारे संग है और मेरा भैया मुझसे अलग है, इसलिए हारा हूं मैं। तो जीवन में कभी इतनी दूरी मत बनाना मां जाए भाई से, ये दोनों प्रमाण तुम्हारे सामने हैं। रावण विभीषण को नहीं निकालते लात मार के तो सोने जैसे गढ़ का सर्वनाश नहीं होता, और दुर्योधन पापी ने अगर पांच गांव दे दिए होते तो इतना बड़ा विनाश नहीं होता। श्रोता बंधु उस समय तो आज अर्जुन जब परिवार को देख रहे हैं, भाइयों को देखा है, जिस समय सौ भाई खड़े थे उस समय हुआ क्या है? से छूट गया जो धनुष छूटा। श्रोता बंधु विचार करता था पार्वती के जो कुनवई मत जावे हो तो फिर राज सिंहासन किन पे चलेगा। श्रोता बंधु जिस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष टेक दिया था धरती पे तो सत्य बताना जो मैं तस्वीर बता रहा हूं तुम्हें, दीपावली पे आती है बाजार में गीता सार लिखा होता है उस पर, रथ पीछे खड़ा है, कन्हैया चक्र सुदर्शन लिए सामने खड़े हैं और धरती पर अर्जुन एक घोंटू टेक के दोनों हाथ जोड़े बैठे हैं।
ये तस्वीर देखी कहूं मैं, भगवान के सामने अर्जुन दोनों हाथ जोड़े बैठे, नीचे एक घोंट धरती पर टिका हुआ है, गांडीव धनुष धरती पर पड़ा हुआ है, पीछे नंद घोष रथ खड़ा हुआ है। तो उस समय पता है तुम्हें अर्जुन ने क्या कहा है कन्हैया से, दोनों हाथ जोड़ के नीचे से ये बोले हैं क्या, पीछे हटा लो दीना नाथ, अरे मोए घर लौट आए के क्यों मोपे, अरे समरू होई गो ठाकुरा नाई होई गो ठाकुरा नाई, मोपे समरा होई गो ठाकुरा नाई, अरे सब लाज मोहर बना चालो, मोपे समर होएगो ठाकुर नारे सब राज कौरवन दे। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि मामलो ही पहले हो, अरे जब अर्जुन ही हथियार डालता है तो संग्राम होगा कैसे। उसी समय भगवान ने गीता का उपदेश दिया है अर्जुन को, जिसमें 700 श्लोक हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि हुई है और अत्याचारी बढ़े हैं, तब तब मेरा अवतार हुआ है। जिन्हें तू जिंदा मानना, जे तो मरे वही तो वैसे ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना पारथ, गांडीव उठाने में अर्जुन जितनी देर यहां होगी, हस्तिनापुर के महलों में उतनी अंधेर वहां। बहुत जल्दी करो, समय नहीं है। उसी समय मोह भंग किया, गीता के उपदेश से अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। जिस समय गांडीव धनुष उठाया है और लड़ने के लिए तैयार होकर के चले हैं श्रोता बंधु, उस समय गंगा पुत्र भीष्म ने यह कह दिया था कि दुर्योधन, मैं 10,000 वीर रोजाना मारूंगा, लेकिन 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा, इनमें से नहीं मारूंगा, 10,000 वीर रोजाना मारूंगा मैं। दुर्योधन की खुशी को ठिकानो ना रहोगे, 10,000 तो जेई ने बटा देंगे अकेले ही, तो जीत तो है ही जावे। श्रोता बंधु, तो जिस समय आज धर्मराज दुष्टर जब बिल्कुल तीर कमान चलने वाली थी, सभी नौजवान बच्चे ध्यान रखना कि प्रणाम करने से मिलता क्या है। जीवन में आप बड़ों से प्रणाम करोगे, नमस्ते करोगे, तो इतनो तो मिलिए जावे हो के बने रहो। तो जैसे ही दुष्ट चले उतर के, लेकिन सोच अपनी अपनी है। दुर्योधन कह रहा गंगा पुत्र भीष्म से कि बाबा बन को काम, के क्यों कब इतनी बड़ी सेना हमारी टाड़ियता देख के जी दुष्ट कहां पे गो, अब जी डर के मार हो। गंगा पुत्र भीष्म ने कहने की प्रतीक्षा करी, देख तो ला काय को आ रहे। तो जिस समय दुष्टर गए, सबसे पहला प्रणाम गंगा पुत्र पितामह भीष्म को किया और ये कही कि पितामह मुझे अब हुक्म दीजिए, तुम मुझे हुक्म दो क्या मैं लड़ाई लड़ूं। वहरे गंगा पुत्र भीष्म पितामह क्या कह दिया दुष्टर ते, कि तेरी विजय। द्रोणाचार्य से जिस समय आशीर्वाद मांगा तो वही कही कि तेरी विजय हो। कृपाचार्य से आशीर्वाद मांगा तब भी कह दिया तेरी विजय हो। सो दुर्योधन की आंखें चढ़ गई, उन्हें गए तीनों जने तो देखो
लड़ रहे हो मेमाओं और आशीर्वाद दे रहे होता है। गंगा पुत्र पिता में भीष्म बोले दुष्ट दुर्योधन, तू एक बात नहीं जानता क्या प्रणाम का परिणाम। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। अगर दुर्योधन तू भी दुष्टर से पैर छू के प्रणाम कर ले तो वे दुष्टर भी तुझसे कह देंगे कि तेरी विजय हो, पर तू जाय कर ना सकत। इस बात को तू जानता नहीं है तो जीवन में ध्यान रखना, प्रणाम पैर छू के उन्हीं के करना जिन्हें तुम गुणवान समझो। दुष्ट व्यक्ति के कभी पैर मत छूना, क्यों? ज्ञान की किरण कान में होकर प्रवेश करती है और पैर के अंगूठा में होकर निकलती है, इसीलिए विद्वानों के पैर छुए जाते हैं। तो दुष्ट व्यक्ति के तुम पैर छुओगे तो जो बाकी लक्षण है वही तुम में आएंगे। हमेशा विद्वानों के, संतों के, अपने पूर्वजों के, बड़ों के पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। युधिष्ठिर लौट गए, लड़ाई शुरू हुई, सवेरे से संध्या का समय हो गया, 10,000 भारतीय को मार दिया, 10,000 वीरों को मार के शंख बजा दिया। 9 दिन हो गए, 9। अब गंगा पुत्र भीष्म लड़ते रहे तो कन्हैया ने कही कि अर्जुन 9 दिन है गए, वही तो बाबा ही ना निबटे, लड़ाई जीतो है का। अर्जुन ने कही प्रभु का करूं, जितनी विद्या सीखी वो मैंने सब लगाई दी पर मेरा कब्जा नहीं बैठत बिल्कुल। ध्यान रखना बच्चे, मोबाइल का समय है, इस समय नेट चलता है, दुनिया में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, पर सत्यता जी अच्छे न देखत को है, अच्छी बातों को सुनता कौन है। एक बार नेट पे आया था कि त्रेता में जो रावण लड़ा था राम से, वो लंकापति रावण और इधर गंगा पुत्र भीष्म, अगर ये दोनों एक ही जगह के महारथी होते एक समय के और दोनों के बीच में संग्राम होता तो कौन जीतता, उसमें उत्तर आया था गंगा पुत्र भीष्म विजय होते। क्यों? इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहेंगे तो मरेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। लेकिन सुनो, इच्छा मृत्यु को वरदान ही एक और, पता है कौन था वो? जटायु पक्षीराज, उसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन अंतर कितना रहा, क्या गंगा पुत्र भीष्म जैसे महारथी की मौत रही तो बाण उनकी नोक पे, और वो जटायु पक्षी था जिसकी मृत्यु हुई तो राम की गोद में, और दाह संस्कार भी राम ने किया। क्यों? कि अगर ये गंगा पुत्र भीष्म उस दिन हथियार उठा लेते, द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, इनके सामने कोई बोलता नहीं, लेकिन इन्होंने एक औरत की लाज खिंचती रही और गर्दन झुकाए बैठे रहे, उसका परिणाम यह रहा कि तीरों की नौकों पर मरना पड़ा। और एक वो जटायु पक्षी था जो सीता जैसी मैया की रक्षा के लिए रावण जैसे वीर का सामना कर गया, सो मौत वही तो राम की गोद में। तो जीवन में अगर किसी की रक्षा करने लायक बनाए हो तो रक्षा कर देना, और नहीं कर सकते हो तो फिर खड़े होकर के देखना मत, वहां देखना नहीं चाहिए। चलो एक बढ़िया सो भजन बोले, और देखो भगवान के भजन पे, कीर्तन पे, हमारी बहन जी भी बताती होंगी, जो नाच लेते हैं वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचते, 84 लाख योनियों में नहीं नाचते जो भगवान के भजन पर नाच लेते हैं। तो अगर तुम कहो तबे कह दे